पहला रीजन था दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अराइल हैलाइड्स में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है हैलोजन से, हैलोजन को वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने नहीं देता, तो इस वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता। दूसरा रीजन मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि हैलोजन वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करता थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू डोनेट करने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कम कर देता है, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि कार्बन हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल होता। तो ये तीन रीजन बताए थे व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। इज इट क्लियर? तो अब इन तीन रीजन में से दो रीजन ये कह रहे थे, कि जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, इस वजह से रिएक्शन कम है। तो अगर किसी तरीके से हम इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दें तो रिएक्शन फास्ट हो जाना चाहिए, क्लियर। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने का बेंजीन रिंग में सिर्फ एक तरीका है, वो ये कि आप बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दो, क्लियर। जैसे कि हमारे पास ये था क्लोरोबेंजीन। अगर मैं इस क्लोरोबेंजीन की जगह यहां पे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन कर दूं, तो ये नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मेसोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट दोनों के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा क्योंकि ये तो इसके लिए ऑर्थो पोजिशन है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी खींचेगा और मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू भी खींचेगा। इससे ज्यादा अगर हम इसे कर देते हैं तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, और अगर मैं इसे कर दूं तो ये तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी जरूरत नहीं होती, अगर इसको सीधा सीधा वाटर के साथ बॉइल कर दिया जाए तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इंटू ठीक है। गुड मॉर्निंग भैया, वहां भूकंप मत लाना। आगे भी सीटें खाली हैं, आगे सर जाओ सर। सरक जा भाई, सरक जा, ठीक है, दिख रहा है यहां से, यहाँ पे सर का इधर नहीं, खाली क्यों छोड़ रखी, किसके बैग में तो वहां बैठा क्यों था, खड़ा हो जाता। अब सर उधर वहां बैठने की क्या जरूरत, यहां बैठ जाता। अरे कोई नहीं पड़ता बेटा, यहाँ पे बैठने तो अलाउड है। ओके, सो यहां पर हमने देखा कि अगर हम यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा देते हैं तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। यू मे से इट इज एन एक्टिवेटेड अराइल हैलाइड, नाइट्रो ग्रुप एक्टिवेट्स इट टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज व्हाट द रिएक्शन इज, फाइन। तो ये हमने इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की। नाउ वी कैन टॉक अबाउट अनदर रिएक्शंस, कुछ छोटे छोटे और रिएक्शंस हैं। जैसे कि हमारे पास अगर ये क्लोरोबेंजीन है, देखो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, लेकिन ब्रोमोबेंजीन में भी रिएक्शन होता है। आयोडोबेंजीन रिएक्ट मच फास्टर एज कंपेयर टू क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन। उसका सिंपल सा रीजन ये है, ध्यान से सुन लो, आयोडोबेंजीन रिएक्ट मच फास्टर एंड द सिंपल रीजन फॉर दैट इज दैट द कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज मच वीकर, ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। फिर आयोडीन का जो डोनेशन कैपेसिटी है, क्योंकि आयोडीन बहुत नीचे है, बहुत दूर है कार्बन से, तो उसका मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत कम है। घुमा दिया,
तो आयोडीन हैविंग अ मच लोअर मेसोमेरिक इफेक्ट, कार्बन हैलोजन बॉन्ड हैपेंस टू बी जस्ट अ सिंगल बॉन्ड एंड देयरफॉर इट्स क्वाइट वीक, आराम से ब्रेक हो जाता है। अरे भाई सर यहाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर हम इसको निकल एल्यूमिनियम अलॉय इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हीट कर देते तो क्या बनेगा, क्या बेंजीन फिनॉल। बेंजीन, ठीक है। अगर हम इसको Cu और KCN के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो हमें बेंजोनाइट्राइल मिल जाता है, बट इट्स अ डिफिकल्ट रिएक्शन, ठीक है। अगर हम इसको Al2O3 और NH3 के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं तो वी डू गेट NH2, बट दैट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज सच, ठीक है। नाउ क्लोरोबेंजीन, जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन इज डोमिनेंटली अ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्लोरीन इज अ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर यहां पर हम कोई भी चीज करते हैं, चाहे नाइट्रेशन करें, चाहे हम किसी भी कर रहे हैं, कॉमन सा लिख देता हूं इलेक्ट्रोफाइल, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैक करता है तो वी आर गोइंग टू गेट द पैरा प्रोडक्ट, दैट वुड बी अ डोमिनेटिंग प्रोडक्ट। और अगर इस क्लोरोबेंजीन को Na ईथर में रिएक्ट करवा दिया जाए, चल बे अब सबको ठीक है, हो गई, तो फिर आप सोडियम ईथर की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम ईथर में इसका एक कपलिंग रिएक्शन हो जाता है, एंड वी गेट बायफेनाइल, ठीक है। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज फिटिग रिएक्शन, दिस इज टर्म्ड एज फिटिग रिएक्शन। और अगर हमारे पास यहां क्लोरोबेंजीन की जगह आयोडोबेंजीन है या फिर हमारे पास ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, दैट इज एन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो यहां पर वी डोंट यूज नीड टू यूज सोडियम, वी कैन डू द रिएक्शन विद कॉपर एज वेल। तो कॉपर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाता है, दिस इज टर्म्ड एज उल्मन रिएक्शन। अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि वी हैव क्लोरोबेंजीन और एनी हैलोबेंजीन एंड वी हैव एन अल्काइल हैलाइड एंड वी रिएक्ट इट विद सोडियम इन ईथर। अब यहां पे इस रिएक्शन के अंदर हमें चार प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक नहीं चार प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चार प्रोडक्ट्स के अंदर ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट बायफेनाइल है, एक प्रोडक्ट हमारे पास अल्काइल बेंजीन है और एक हमारे पास अल्केन है,
Now this reaction is a mixture of Wood's reaction and Wittig reaction. So this reaction is termed as Wood-Wittig reaction. Wittig nahi hai, Wittig. Wood-Wittig reaction. अब हमने एक बात मानी थी कि जब हम बात करते हैं वर्ड्स रिएक्शन की तो वर्ड्स रिएक्शन इज नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर एनी अल्केन विच वुड रिक्वायर टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स. द रीजन वी गेव वाज दैट व्हेनेवर यू वी यूज डिफरेंट अल्केन्स अल्काइल हैलाइड्स टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर अल्केन वी एंड अप विद अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स. यहां नहीं बैठ पाएगा, पीछे बैठ जा, पीछे जगह इसके, इसी पीछे लेना, उससे पीछे सरक भाई, ठीक है, यहाँ पे यहाँ आ जा, आगे वाली में आगे आगे लिखो, पीछे बैठ जा, हाँ इस पे, चलो हो गया. ठीक है, तो दिस इज This was the words reaction. Words reaction के अंदर we always ended up with a mixture. और हमने उस mixture के बारे में ये कहा था कि वो mixture को separate करना मुश्किल होता है, इसलिए हम words reaction को unsymmetric alkane prepare करने के लिए use नहीं करते. Fine. यहां पर भी हमें mixture मिल रहा है, तीन different compounds का mixture मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक important synthetic method है. उसका reason ये है कि बायफिनाइल है, अल्काइल बेंजीन है और अल्केन है. बायफिनाइल इज अ सॉलिड, दिस इज अ लिक्विड एंड दिस इज अ गैस. तो इस वजह से इन तीनों कंपाउंड को सेपरेट करना बहुत आसान है, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सिंथेटिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन. इज इट ओके? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वर्ड Wittig reaction is easy to separate as the components have very different melting and boiling point. ये बात समझ में आई? हाँ. Almost देखो बेटा, जब हम इन reactions की बात करते हैं, they all reactions are taking place under a drastic condition. और drastic condition में फिर probability ही सब कुछ हो जाती है. तो जो रेशो आपने डाल रखा उस रेशो के हिसाब से ऑलमोस्ट इक्वली बन जाते हैं तीनों. हाँ, बुक में बीच वाला दे रखा, पर ये और ये भी बनते हैं क्योंकि मेनली वो इसे प्रिपेयर करने के लिए है ये रिएक्शन. ठीक है, तो ये हमारे पास है एराइल हैलाइड्स के रिएक्शन. अब एक रिएक्शन और लेते हैं एराइल हैलाइड्स का. हमारे पास है टू ट्वाइस ऑफ क्लोरोबेंजीन और हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं CCl3CHO के साथ. आई होप आपको थोड़ा सा याद होगा कि दिस इज समवॉट लाइक एन इंटरमीडिएट इन हैलोफॉर्म रिएक्शन. तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का इंटरमीडिएट इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल. बता सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो अब ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल सा है. जब हम क्लोरल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस क्लोरल के अंदर ये पोजीशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाली पोजीशन बन जाती है इलेक्ट्रोफाइल. और क्लोरोबेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर अटैक करता है. तो ये इस पोजीशन पे अटैक करता है, एक बार अटैक करता है, फिर दूसरी बार अटैक करता है, H2O निकल जाता है. द प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन वुड बी समथिंग लाइक CCl3CH
Cl, समझ आ रहा है, पैरा पोजिशन पे क्लोरीन, ठीक है, Cl, ठीक है, तो इससे ये प्रोडक्ट मिलता है. क्लियर? नाम पता है इसका? दिस इज कॉमन नेम इज डायक्लोरो डायफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. तो DDT इस तरीके से इसका कॉमन नेम दिया जाता है, ठीक है. IUPAC नेम क्या होगा? What would be its IUPAC name? 1-1-1 trichloro, ठीक है, 2-2 bis, फोर क्लोरो फिनाइल इथेन. दिस इज DDT. और इसी के साथ हमने अल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स का समापन कर दिया. अल्केन्स एंड एरीन्स, हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट इट विल बी बेटर कि एक्स हम सेम रखें. अगर हम एक्स डिफरेंट रखते हैं तो बात ये हो जाती है ना, क्लोरीन कार्बन, ब्रोमीन कार्बन और आयोडीन कार्बन के बॉन्ड्स डिफरेंट है. तो अगर आयोडीन कार्बन का बॉन्ड आ गया तो अलग, वो सबसे पहले रिएक्ट कर जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाएगा, तो वो सेम कंपाउंड हो जाएगा ना. फिर हम वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन क्यों ना करें? वुड्स फिटिक करें ही क्यों? क्योंकि उस केस में वुड्स या फिटिक रिएक्शन डोमिनेट कर जाएगा. अगर मैंने ये आयोडो ले लिया, ये आयोडो ले लिया, तो मुझे वुड्स रिएक्शन डोमिनेट मिल जाएगा. ये मैंने आयोडो ले लिया तो फिटिक रिएक्शन डोमिनेट मिल जाएगा. तो मुझे फिर इन दोनों को अगर सेम रखूं तो ज्यादा अच्छा है ना. और डोमिनेट करवाना तो फिर मैं एक ही रिएक्शन करूं ना, मुझे थोड़ा ना लेने.